गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आकांक्षा। आज के वीडियो में एक एलोवेरा जेल के बारे में आपको बताने वाली हूँ। एक एलोवेरा जेल है जिसका मैं कुछ दिनों से यूज़ कर रही हूँ और उसका ही आज रिव्यू करने वाली हूँ। तो अगर आप मुझे थोड़ा भी जानते होगे तो आपको पता होगा कि एलोवेरा जेल मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। एज अ मॉइस्चराइज़र मैं एलोवेरा जेल हमेशा यूज़ करती हूँ। तो अगर आप कोई अच्छा मॉइस्चराइज़र देख रहे हो और मेरे जैसे अगर आपकी स्किन पे क्रीम्स वगैरह तरह तरह की चीज़ें सूट नहीं करती हों तो आप बिल्कुल एक अच्छा सा एलोवेरा जेल अपने स्किन पे लगा सकते हो, स्किन की ड्राइनेस को दूर कर सकते हो। और अभी तो भाई ठंड है तो स्किन की ड्राइनेस दूर करनी ही है और एक अच्छा मॉइस्चराइज़र लगाना ही होता है। तो आजकल मैं यूज़ कर रही हूँ हिमालया का मॉइस्चराइजिंग एलोवेरा जेल और इस जेल को कुछ दिनों से यूज़ कर रही हूँ। इन्होंने अभी ये एलोवेरा जेल, नीम जेल और केसर रोज़ जेल लॉन्च किए कुछ दिनों पहले। तो मैं बताने वाली हूँ एलोवेरा फेस जेल के बारे में। तो इसकी पैकेजिंग की बात करूँ तो ये 100 ml का ऐसा पैक आता है। पैकेजिंग कुछ पंप वगैरह बॉटल होना तो बहुत ट्यूब पैकेजिंग हो तो बहुत ईजी होता है प्रोडक्ट को यूज़ करना, पर इसको बार बार ऐसे हाथ ऐसे करके करना होता है यूज़। तो पैकेजिंग थोड़ी मुझे ऐसी अच्छी नहीं लगी इसकी, क्योंकि आजकल ज़्यादातर जो एलोवेरा जेल आते हैं ट्यूब में आते हैं, पंप में आते हैं, तो ईजी हो जाता है उनको यूज़ करना। और इसकी कंसिस्टेंसी तो जेल है तो जेल ही होगी। और कलर इसमें यूज़ नहीं किया गया है और फ्रेग्रेंस इसमें है। फ्रेग्रेंस मुझे इसकी पसंद नहीं आई, थोड़ी सी अजीब टाइप की फ्रेग्रेंस है, मतलब समझ नहीं आ रहा, बड़ी जानी पहचानी सी है पर अच्छी नहीं है, थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग भी कह सकते हो। जिनको फ्रेग्रेंस से प्रॉब्लम है तो उनको इससे इसकी फ्रेग्रेंस से थोड़ी सी प्रॉब्लम भी हो सकती है, पर मुझे ऐसी कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। और जब आप इसको स्किन पर लगाते हो तो थोड़ी देर बाद इसकी फ्रेग्रेंस चली भी जाती है, तो कुछ इस टाइप का है। अच्छा, इसको जब आप अप्लाई करोगे अपने स्किन पे तो थोड़ा सा स्टिकी आपको लगेगा, जो कि कुछ देर के लिए लगता है। जब ये एब्जॉर्ब हो जाएगी आपकी स्किन पे फिर आपको कोई भी चिपचिपापन नहीं लगेगा। जैसे ही आपके फेस के ऑयल से ये मिक्स होगा तो फिर चिपचिप नहीं लगता है, पर थोड़ा सा स्टार्टिंग में आपको चिपचिप फील हो सकता है। तो इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करूँ तो इन्होंने इतना छिपा के ये अपने इंग्रेडिएंट्स रखे हुए हैं, तो आपको ऐसे ओपन करना होता है। इधर पूरे इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट है जो कि इधर उधर मिक्स हो गया है, तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए गए। तो मैंने गूगल करके देखा कि इसमें आखिर क्या यूज़ किया गया है। वैसे इसमें पैराबेन, फ्थलेट्स, MIT ये यूज़ नहीं किए गए हैं, पर इसमें केमिकल्स यूज़ किए गए हैं। और ये जो प्रोडक्ट है ये क्लेम करता है कि आपकी स्किन को हाइड्रेट करेगा, सूदिंग रहेगा, आपकी स्किन पे मॉइस्चर को लॉक करेगा, रीस्टोर करेगा आपके स्किन पे जो भी मॉइस्चर है उसको, और स्किन को मॉइस्चराइज्ड एंड हेल्दी बनाएगा। तो ये सारे क्लेम ये प्रोडक्ट करता है। इसकी प्राइस की बात करूँ तो ये सिर्फ 85 rupees का है, काफ़ी अफोर्डेबल है। और मैंने इसको ऑफलाइन परचेज़ किया था, ऑनलाइन भी मिलता है पर हिमालय का प्रोडक्ट है तो ऑफलाइन ईजिली मिल जाएगा, 85 rupees का है। तो अब बात करते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स की। तो इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट आपको दिख जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इसमें सिर्फ एलोवेरा जेल यूज़ किया गया है और कोई भी केमिकल यूज़ नहीं किए गए हैं। इसमें केमिकल्स हैं तो कुछ तो थिकनर होते हैं, कुछ होते हैं जो प्रोडक्ट में जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं उनकी एफिशिएंसी बढ़ाते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो क्लेंजिंग का काम करते हैं। कुछ ज़्यादातर जो इसमें इंग्रेडिएंट्स हैं वो मॉइस्चर प्रोवाइड करते हैं और हाइड्रेशन के लिए यूज़ किए गए हैं, पर इसमें केमिकल्स यूज़ किए गए हैं। वो हार्मफुल हैं या नहीं उसमें क्वांटिटी दी नहीं हुई है, तो उससे आप नहीं बता सकते हो कि ये हार्मफुल है या नहीं। मेरे स्किन पे कुछ नहीं हुआ उनको यूज़ करने पर अगर आपको इन सारे इंग्रेडिएंट्स से प्रॉब्लम है तो इसको परचेस नहीं करना है, इसको यूज़ नहीं करना है। तो अभी कुछ दिनों से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ तो मेरे स्किन पे ये और ये बहुत अच्छे से स्किन को मॉइस्चराइज करता है। बिल्कुल भी ड्राइनेस फील नहीं होगी आपको इसको लगाने के बाद। पर अगर आप सोचो कि ये एक्ने दूर कर दे
दाग धब्बे दूर कर दे, स्किन टेक्सचर चेंज हो, पर ये सब कुछ भी नहीं करेगा, सिर्फ ये आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है अच्छे से। और इसमें तो मेंशन है कि सारे स्किन टाइप्स वाले इसको यूज़ कर सकते हैं, सारे गर्मियों सर्दियों कभी भी आप किसी भी सीज़न में आप इसको यूज़ कर सकते हो। पर मैं कहूँगी कि अगर आपके स्किन पे एक्टिव एक्ने हैं तो इतने केमिकल्स यूज़ करने से बचिए। सेंसिटिव स्किन है और कुछ इन्फेक्शन वगैरह है तब बिल्कुल इसको यूज़ नहीं कीजिए। पर अगर आपकी स्किन पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एक अच्छा सा मॉइस्चराइज़र चाहते हो, अफोर्डेबल मॉइस्चराइज़र चाहते हो, तो बिल्कुल आप इसको यूज़ कर सकते हो। और मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, इसको यूज़ करने के बाद इसने इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स मुझे नहीं दिखे। अच्छे से मॉइस्चराइज़ किया और बस मुझे इसकी फ्रेगरेंस अच्छी नहीं लगी, पर उससे भी उसको भी थोड़ी देर में वो चली जाती है, तो वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बिल्कुल आप एक अच्छा हाइड्रेशन चाहते हो, अच्छे से मॉइस्चराइज़ करना चाहते हो स्किन को, तो बिल्कुल आप इसको परचेज़ कर सकते हो। पर जैसे कि कहा जाता है कि एलोवेरा जेल पिंपल को ठीक करेगा और तमाम स्किन प्रॉब्लम्स को दूर करता है, तो ये कुछ भी नहीं करेगा। और केमिकल फ्री प्रोडक्ट चाहते हो तब भी आप इसको परचेज़ ना करें, यूज़ ना करें, कोई मतलब का नहीं है। और मुझे कैसा लगा, तो देखो मुझे ये अच्छा लगा, और पर ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैंने कभी ऐसा एलोवेरा जेल यूज़ ही नहीं किया हो। कुछ इतना खास नहीं लगा कि कभी यूज़ नहीं किया ऐसा एलोवेरा जेल और इस प्राइस का जेल। बहुत सारे अंडर 100 एलोवेरा जेल मैं यूज़ कर चुकी हूँ जिनमें इससे कम केमिकल्स हैं, और ऐसा ही काम करता है, ऑलमोस्ट ऐसा ही काम करता है। जो भी मार्केट में एलोवेरा जेल्स आते हैं उससे आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि वो आपकी स्किन प्रॉब्लम्स को दूर करे। ज़्यादातर एलोवेरा जेल्स जो मार्केट में हैं वो सिर्फ मॉइस्चर ही प्रोवाइड करती हैं। बिल्कुल आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। अगर आप एक ही प्रोडक्ट यूज़ कर करके परेशान हो गए हो, तो कुछ नया डिफरेंट ट्राई करना चाहते हो, तो बिल्कुल आप इसको परचेज़ कर सकते हो। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब कर दिया करो, सिर्फ देख के नहीं चले जाया करो, सब्सक्राइब भी कर दिया करो, वीडियो को शेयर करो। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।